दोस्तों एक बार फिर स्वागत है एक नई कहानी के साथ। हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे कहीं हीरे का पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपने अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषीय प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है। शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली, वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी, जिस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में थी, कदमों तले थी। सीख। मित्रों, इस कहानी से हमें हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसर की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना बहुत ज़रूरी है और दोस्तों, जब भी किस्मत भाग मौका दे तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों।